चलो अब आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं जहां गृहमंत्री राजनाथ सिंह संबोधन कर रहे हैं। अभी अपना स्वागत भाषण दिया है, लेकिन चूंकि जैसा उन्होंने बताया कि यह लखनऊ हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए मैं भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के कारण मुख्यमंत्री जी आपका भी स्वागत करता हूं और सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आपके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस जोनल काउंसिल की मीटिंग की मेजबानी करना सहर्ष स्वीकार किया है। जहां तक रीजनल काउंसिल्स का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 है, उसी के तहत ये हमारी जोनल काउंसिल बनाई गई है। और इन जोनल काउंसिल का उद्देश्य ही यही है कि सभी राज्यों के बीच कैसे सहयोग अधिकतम बढ़ाया जाए और सहयोग की भावनाओं के आधार पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कि समाधान एक राज्य के बस का नहीं होता है निकालना, इसलिए सभी राज्य आपस में मिल बैठकर उसका समाधान निकाल सकें। जहां तक जोनल काउंसिल के मैंडेट का प्रश्न है, वह आर्थिक और सामाजिक नियोजन के मुद्दों और आपसी विवाद वाले मुद्दों पर चर्चा करके उन पर अपनी संस्तुति देना और उन्हें हल करना है। और हमारी सरकार का यह उद्देश्य भी है कि क्षेत्रीय परिषदों और साथ ही साथ अंतर राज्य परिषद को मजबूत किया जाए ताकि राज्यों के बीच परस्पर और केंद्र और राज्यों के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और अधिक बढ़ावा देकर उसे सतत बनाए रखा जाए। इसी भावना के साथ हमने पिछले 4 सालों में सभी क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय बनाने के साथ साथ उनकी 11 बैठकें की हैं और उनकी स्टैंडिंग कमेटीज की भी 15 बैठकें हो चुकी हैं। और इन बैठकों के माध्यम से राज्यों के बीच परस्पर और केंद्र और राज्यों के बीच कुल मिलाकर 680 इशूज पर हम लोगों ने चर्चा की है। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आउट ऑफ 680 हम लोगों ने 428 इशूज को रिजॉल्व करने में भी कामयाबी हासिल की। यह सब राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के भी सक्रिय सहयोग से ही यह संभव हो सका है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो अथवा सोशियो इकोनॉमिक इशूज हो, इन सभी पर हमें अपने बहुमूल्य विचारों और मूल्यवान अनुभवों को इस फोरम में साझा करके उनसे लाभान्वित होने की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाते ही रहना है। इसलिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों को मेरा सुझाव है कि आपसी हितों और मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद के इस फोरम में हम सभी मिलकर सहयोग की भावना के साथ चर्चा करें और हल निकालने की भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें। इस जोनल काउंसिल की पिछली बैठक में, एक बार यहां पर लखनऊ में जोनल काउंसिल की पिछली बैठक हो चुकी है और उसमें 34 इश्यूज पर हम लोगों ने चर्चा की थी और दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि आउट ऑफ 34 केवल 4 इश्यूज को ही रिजॉल्व करने में हम लोग कामयाब हो सके थे। और उसके बाद काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की 2 बैठकें हुई और मुझे बतलाते हुए खुशी है कि उसमें लगभग 20 मुद्दों को रिजॉल्व करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। समिट की इन 2 बैठकों में 45 नए इश्यूज पर भी चर्चा की गई और उनमें से 32 इश्यूज को भी हम लोगों ने रिजॉल्व किया है। मैं निश्चित रूप से इस काम की प्रशंसा भी करना चाहूंगा। आज की बैठक में परिषद की पिछली बैठक के 9 ऐसे आइटम्स हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं और स्टैंडिंग कमेटी से आए 13 नए इश्यूज हैं। कुल मिलाकर 22 यानी 22 ऐसे सारे आइटम्स हैं जिन आइटम्स पर कि हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। और इस बैठक में राज्यों में सड़कों की डेंसिटी, वामपंथी उग्रवाद, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, अनाजों का भंडारण, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, स्कूली शिक्षा, हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार, डिजास्टर मैनेजमेंट और मनरेगा आदि से संबंधित कई विषयों पर हम लोग आज की बैठक में चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण फोरम का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए काउंसिल के समक्ष आए
विषयों पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ आपसी हितों और देश के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए चर्चा करके उनका हल निकाला जाना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज हमारे समक्ष प्रस्तुत विषयों पर हम सभी इसी भावना के साथ चर्चा करके इनमें से अधिकतम मुद्दों को रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे और स्वाभाविक रूप से इससे राज्यों और साथ ही साथ केंद्र के बीच और परस्पर राज्यों के बीच भी सहयोग के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश से आए हुए दोनों मंत्रियों का भी स्वागत करता हूं। वैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी इस बैठक में भाग लेने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि इस समय कितनी व्यस्तता है। दोनों राज्यों के चुनाव अभी होने हैं इसी नवंबर दिसंबर के महीने में, तो उनके कार्यक्रम भी पहले से निर्धारित थे। तो मैंने अपनी तरफ से ही कहा कि मैं जानता हूं इस समय की व्यस्तता, इसलिए अच्छा होगा कि कोई आपके यहां से सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर इस बैठक में भाग ले। तो दोनों हमारे मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी और रामसेवकी पैकरा यहां पर मौजूद हैं। अब मैं समझता हूं कि आगे बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करें। धन्यवाद। बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। योजना भवन में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और बैठक की कार्रवाई थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, गृहमंत्री इसका संबोधन किया उन्होंने और अध्यक्षता करेंगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार।